हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडवांसी सक्सेस पॉइंट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सब फ्रेंड्स का स्वागत है हमारे एडवांसी सक्सेस पॉइंट परिवार में। आपके लिए फ्रेंड्स एक और महत्वपूर्ण टेस्ट की सीरीज लेकर तैयार हैं हम, जो आपके हर कॉम्पिटिशन एग्जाम, चाहे आप किसी भी सेंटर या स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको अब तक की जितनी भी सीरीज हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे। उनका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आप पीछे की भी सभी वीडियोज़ को यदि आपने नहीं देखा है तो उनको देख कर अपना तैयारी का जो यहाँ पर पैटर्न है उसको अच्छा तरह से कर सकें। तो आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। सी रंगराजन ने किस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? आपको फ्रेंड्स बताना है सी रंगराजन किस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। आपका फ्रेंड्स आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। सी रंगराजन 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, खीरे में कड़वाहट किसकी उपस्थिति के कारण होती है? खीरे में कड़वाहटें किसकी उपस्थिति के कारण होती है? आपका फ्रेंड्स आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, कुकरबिटेसिन। यस फ्रेंड्स, आंसर कीजिएगा, खीरे में कड़वाहट किसकी उपस्थिति के कारण होती है? आपका फ्रेंड्स सही आंसर होगा कुकरबिटेसिन के, यहां पर बिटेसिन के कारण। ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इटली का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? इटली का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? यह सिर्फ आपके लिए एक मॉक टेस्ट नहीं, आपके लिए अपनी यहाँ पर जो तैयारी है उसको जांचने का एक तरीका है। यदि ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम के अंदर हो तो मैं कितने यहाँ पर क्वेश्चन से उनको ठीक करके आऊँ, कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे नए मिले हैं। हर हर एक चीज़ को आप लोगों ने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सीखना है। ये मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण इलाज है अपनी तैयारी का। इटली का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? आपका फ्रेंड सेंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1861 के अंदर। 1861 आपका बिल्कुल सेंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए, गति के नियम को किसने परिभाषित किया था? क्वेश्चन पर गौर फरमाइएगा कि गति के नियम को किसने परिभाषित किया था? आपका फ्रेंड सेंसर होगा ऑप्शन नंबर यहां पर क्या, ऑप्शन नंबर आपका 4, न्यूटन के द्वारा गति के नियम को परिभाषित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंवले में कसेलापन किसके कारण होता है? क्वेश्चन को और सुनेंगे कि आंवले में कसेलापन किसके कारण होता है? आपका फ्रेंड सेंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, टैनिन की वजह से होता है। टैनिन आपका सेंसर हो जाएगा। आंवले में कसेलापन टैनिन की वजह से होता है, सभी फ्रेंड्स याद रखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 करेक्ट आंसर जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को। इसके यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। जिसके बाद में दूसरी बैठक आपकी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। आपका फ्रेंड्स 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे? राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे? आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, कमलापति त्रिपाठी थे, जो यहाँ पर राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता थे। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए, अमृत सेन को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया? अमृत सेन को भारत रतन से किस वर्ष सम्मानित किया गया? आपका फ्रेंड्स आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आपका 1999 में अमृत सेन को भारत रतन से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए, जादू टोना का उल्लेख किस वेद में मिलता है? जादू टोना का उल्लेख किस वेद में मिलता है? आपका फ्रेंड्स आंसर कीजिए फटाफट से, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? जादू टोना का उल्लेख किस वेद में मिलता है? आपका अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी, कितनी निर्धारित है? आपको फ्रेंड्स बताना है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? आपका फ्रेंड्स आंसर होगा 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 30 वर्ष, राज्यसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष, यहाँ पर लोकसभा के सदस्यों के लिए निर्वाचित हैं। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए, आपको फ्रेंड्स बताना है कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपका फ्रेंड्स आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर आपका ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी के नाम से कैंसर के अध्ययन को जाना जाता है। पामोलॉजी के नाम से फलों के अध्ययन को जाना जाता है।
कुनेन किस पेड़ से प्राप्त होता है, कुनेन किस पेड़ से प्राप्त होता है? आपका फ्रेंड्स करना चाहिए, सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। सिनकोना आपका सेंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके लिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है या दिखता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखता है। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास प्रत्येक दिन की सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आपका फ्रेंड्स कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। आपके लिए प्रतिदिन यहाँ पर सीरीज रखी जाती हैं, ताकि आप अपनी तैयारी को यहाँ पर जान सकें। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है या दिखता है? आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा तीला। यहाँ पर क्या, तीन काला रंग दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट आंसर होगा। वांडीवास का युद्ध किस वर्ष हुआ, वांडीवास का युद्ध किस वर्ष हुआ? आपका फ्रेंड्स सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन, 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका तीन से आंसर हो जाएगा। समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है, समाचार पत्र का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। आपका फ्रेंड्स चार्ल्स मेटकॉफ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आपको फ्रेंड्स बताना है, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से किस वर्ष नवाजा गया, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से किस वर्ष नवाजा गया? आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर तीन, 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से नवाजा गया था। वे सबसे कम उम्र के यहाँ पर व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न से यहाँ पर नवाजा गया है। नेक्स्ट आपके लिए, आपको फ्रेंड्स बताना है, पृथ्वी दिवस से कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस से कब मनाया जाता है? आपका फ्रेंड्स आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर एक है आपका, यहाँ पर 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए, दादरी गैस से विद्युत परियोजना किस राज्य में है, दादरी गैस से विद्युत परियोजना किस राज्य में है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है, वेरी गुड फ्रेंड्स आंसर कीजिएगा, दादरी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में है? आपका ऑप्शन नंबर तीन, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक किस वर्ष रखा गया, इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक किस वर्ष रखा गया? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है, इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दो, 1955 में रखा गया था। 1955 आपका सेंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख के सूत्राधार थे, आपको फ्रेंड्स बताना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सूत्राधार थे, आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है। आपका फ्रेंड्स करना चाहिए क्या, ऑप्शन नंबर माधव राव सदाशिव, यहाँ पर गालवकर वालकर हैं जो यहाँ पर क्या थे, भारतीय जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसको हम आरएसएस के नाम से जानते हैं, सॉरी फ्रेंड्स इसका आप ध्यान कीजिएगा, सॉरी फॉर दैट। ऑप्शन नंबर दो है आपका के बी हेड केवार हैं जो क्या थे आपके यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्य सूत्रधार थे। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दो आएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर आपका दो, यहाँ पर के बी हेड केवार थे, ऑप्शन नंबर आपका दो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको बताना है, मैसूर का शेर किसे कहा जाता है, मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? आपका फ्रेंड्स करना चाहिए, टीपू सुल्तान को कहते हैं, टीपू सुल्तान आपका सेंसर हो जाएगा। लाल रुधिर कोशिका का जीवन काल कितने दिनों का होता है, लाल रुधिर कोशिका का जीवन काल कितने दिनों का होता है? आपका फ्रेंड्स 120 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए, विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या, 60 होती है, 60 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दो, 1914 में हुआ था पनामा नहर का निर्माण, ऑप्शन नंबर आपका दो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए, ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम किस वर्ष भारत आए थे, ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम किस वर्ष भारत आए थे? आपका फ्रेंड्स आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 1911 में, 1911 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉर्ज पंचम 1911 में भारत आए थे जो ब्रिटेन के सम्राट थे, ऑप्शन नंबर आपका दो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शासक के शासनकाल में भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
स्थापना की गई? किसके शासनकाल के समय में भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? आपका फ्रेंड्स करंट शो क्या ऑप्शन नंबर यहां पर एक लॉर्ड डफरिन के, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए, जॉर्ज पंचम का आगमन किसके शासनकाल के दरमियान हुआ था? आपको फ्रेंड्स बताना है, जॉर्ज पंचम का आगमन किसके शासनकाल के दरमियान हुआ था? आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय के शासनकाल के दरमियान हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका तीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कवास गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? कवास गैस विद्युत योजना किस राज्य में अवस्थित है? आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है, आपको फ्रेंड्स बताना है कवास गैस विद्युत योजना किस राज्य में अवस्थित है? आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर एक गुजरात में है। गुजरात आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए, नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष हुई? नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष हुई? आपका फ्रेंड्स सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार, 1957 के अंदर नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका चार सही आंसर हो जाएगा। शिशु का लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम से होता है? शिशु का लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम से होता है? आपका फ्रेंड आंसर होगा उसके पिता के क्रोमोसोम से। ऑप्शन नंबर आपका दो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए, राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप किस वर्ष अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप किस वर्ष अपनाया गया? आपका फ्रेंड आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन, यहाँ पर 22 जुलाई 1947 को यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका तीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर आपका एक सारनाथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए, सौरमंडल में धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? सौरमंडल में धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? आपका फ्रेंड्स आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहां पर क्या 98 का आपका बेटे दो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूर्य के, सूर्य आपका सही आंसर हो जाएगा। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके सभी फ्रेंड्स इस सेशन का पूरा पूरा फायदा उठा सकें। आपको फ्रेंड्स बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल में पल्सर क्या होते हैं? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस फ्रेंड्स आंसर कीजिएगा, सौरमंडल में पल्सर क्या होते हैं आपको इसके बारे में बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, धीरे से घूमने वाले तारे, तेजी से घूमने वाले तारे, स्थिर रहने वाले तारे, या इनमें से कोई नहीं। आपको फ्रेंड्स बताना है सौरमंडल में पल्सर क्या होते हैं? आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो, तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं। दो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? आपको फ्रेंड्स बताना है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर आपका दो है, श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती आपका करेक्ट आंसर होगा, श्रावस्ती के अंदर गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन, कैसा लगा आपको सेशन फटाफट से कमेंट कर दीजिए। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपके पास वक्त पर सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आपका फ्रेंड्स कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। आपके फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स हैं सभी क्लासेस का फायदा उठा सकें। आपको बाकी जो क्लासेस हैं जो अब तक मॉक टेस्ट हुए हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन के माध्यम से मिल जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।